वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्रूफ आप पहले देख लीजिए। मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ आपको कि व्यूज कैसे ला सकते हैं आप अपनी पहली वीडियो पे। ये जो वीडियो देख रहे हैं, हाउ टू सेव व्हाट्सएप डीपी इन गैलरी, सेकेंड या फिर थर्ड वीडियो थी मेरे दूसरे चैनल की, यूट्यूबर हर्षित वाले की। आज 1.5 लाख व्यूज हैं। ये जैसे मैंने अपलोड की थी ना, वैसे ही ये वीडियो वायरल होना स्टार्ट हो गई थी। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये वीडियो देख रहे हैं कैप्शंस अनअवेलेबल, 8,000 व्यूज हैं। पता कितने दिन में, 6 से 7 दिन में 8,000 व्यूज गए हैं इस पर। क्यों गए, मैंने ऐसा क्या किया था, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं व्यूज, ये सब मैंने ट्राई कर चुका। देखो हैप्पी दिवाली व्यूज कैसे गए हैं, 730 व्यूज हैं इस पर। पता कितनी देर में गए थे, 1 घंटे में गए थे। शो ये मैंने कैसे किया था, आज आपको वीडियो में पता चलेगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल हर्षित यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 से 3 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिनकी मदद से आप अपने पहली ही यूट्यूब वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज ला सकते हैं एंड वायरल भी करा सकते हैं। अगर आपका एक YouTube चैनल है या आप एक YouTube चैनल ओपन करने वाले हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो 99.99% चांसेस हैं कि आप अपने पहले वीडियो जो अपलोड करोगे अपने YouTube चैनल पर, उस पर अच्छे खासे व्यूज आए। अच्छे खासे का मेरा मतलब ये है कि जो भी इंसान हो, जब वो पहला वीडियो अपलोड करता है तो उसके लिए 4-5 व्यूज से ज्यादा नहीं आते हैं। आपके पे हो सकता है 1,000 व्यूज आ जाएं, उसके अलावा हो सकता है आपका वीडियो भी वायरल हो जाए। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, प्रूफ मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही दे दिया। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। बट उससे पहले अगर पहली बार आ रहे चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। शो अपलोड एंड फाइंड डे, लेट्स बिगिन। जो तरीके आपको बताने वाला हूं पहले भी वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज लाने के, उसके लिए मैं आपको हर एक तरीका बता दूंगा अप्रोक्स। जैसे कि किसी में आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, किसी में पैसे इन्वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे, फिर ही है, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका है गूगल एडवर्ड। अगर आपके पास पैसा है, हमें व्यूज चाहिए पहली वीडियो पे हर हाल में, चाहे मेरा 1 लाख रुपए लगे, कितना भी मेरे को रुपए लगे, रुपए की मेरे पास कमी नहीं है, लेकिन व्यूज चाहिए, ठीक है। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जितने भी तरीके बताऊंगा सभी बता दूंगा लगभग, और उसमें कुछ ऐसे तरीके होंगे जिसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कुछ फ्री फंड के तरीके होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पैसा वाला तरीका बताऊंगा, उसके बाद आपको लास्ट में जो तरीका बताऊंगा ना, वो तो बहुत भाई साहब भयानक और पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताता है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना, लास्ट वाला तरीका बहुत यूजफुल होने वाला है। तो सबसे पहला तरीका है हमारा नॉर्मल गूगल एडवर्ड। अगर आपके पास पैसा है, 4-5,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं आप अपनी एक वीडियो के लिए, तो जो आप पहला वीडियो बनाते हैं ना, वो कुछ यूनिक टॉपिक पे बनाना, अच्छा खासा उस पर एसईओ कर देना और अपलोड कर देना, उसके बाद गूगल एडवर्ड से प्रमोट कर लेना। कम से कम 20-25,000 व्यूज आपको आराम से मिल जाएंगे अगर आप थोड़ा सा रुपए इन्वेस्ट करते हो उसमें गूगल एडवर्ड में, ठीक है। और अगर आपका कंटेंट अच्छा हुआ तो उस पर ऑडियंस रिटेंशन अच्छा आ जाएगा। ऑडियंस रिटेंशन बहुत टाइम अच्छा आ गया, एसईओ आपने अच्छे से कर रखा था, थंबनेल अच्छा था ही, वीडियो का कंटेंट अच्छा था ही, तो वो वीडियो 99.99% आपका रैंक कर जाएगा। उसका रीजन ये है कि गूगल एडवर्ड से आप प्रमोट करोगे तो आपको अच्छा खासा वॉच टाइम मिल जाएगा, एंड अच्छा खासा वॉच टाइम मिल जाएगा, एसईओ अच्छा है, क्लिक्स अच्छा आ रहा है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपका वीडियो रैंक होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड अगर वो वीडियो रैंक कर गया यूट्यूब पर तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। जब तक वो रैंकिंग में रहेगा 10-20 साल 30 साल, तब तक हमेशा व्यूज आते रहेंगे एंड मिलियन में व्यूज आराम से उस पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये था पहला तरीका जिसमें आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर सेकंड तरीके की बात करें तो नंबर सेकंड तरीका क्या है, सेकंड एंड लास्ट तरीका है ये मैं खुद यूज कर चुका हूँ। जैसे कि अभी क्या आने वाला है, मैंने कहा क्रिसमस आने वाला है और न्यू ईयर आने वाला है, तो अगर आप एक न्यू यूट्यूब चैनल ओपन करने वाले हैं तो ये एकदम अच्छा टाइम है आपके लिए न्यू यूट्यूब चैनल ओपन करने के लिए। जो आप पहला वीडियो बनाओगे ना, वो कुछ ऐसे बनाना जैसे कि आपका एक टेक चैनल है, तो आप ऐसे वीडियो बनाना जैसे कि आप एप्लीकेशन वगैरह का रिव्यू करना चाहते हैं अपने चैनल पर, तो ऐसे वीडियो बनाना कि क्रिसमस को विश कैसे करें, क्रिसमस विश करने का नया तरीका, चौंक जाएंगे लोग। उसके बाद न्यू ईयर आ रहा है, तो आपको न्यू ईयर से रिलेटेड वीडियो बनाना है कि न्यू ईयर को ऐसे विश करो सामने वाला चौंक जाएगा, न्यू ईयर के लिए व्हाट्सएप स्टेटस कैसे बनाएं। तो ऐसे कुछ टॉपिक होते हैं जो आप बना सकते हैं। और एक खासा बता दूं आपको, क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। मैंने हैप्पी दिवाली वाला बनाया था, उसमें मैंने कुछ गलतियां की थी जिसके कारण से वो वीडियो मेरी 700 व्यूज पर रुक गई, उसके आगे नहीं बढ़ पाई, कुछ मैंने गलती की थी। तो वो गलती आप ना करें, मैं आपको बताता हूं आपको स्ट्रेटजी क्या रखनी है। जैसे कि 1 जनवरी को न्यू ईयर है, तो आपको 5 दिन पहले एक वीडियो डालना है, ठीक है। 5 या 7 दिन पहले आपको एक वीडियो डालना है न्यू ईयर, उसमें कीवर्ड आना चाहिए न्यू ईयर 2021, ठीक है, ऐसा कीवर्ड आना चाहिए। तो वो जो कीवर्ड आ जाएगा ना, तो वो कीवर्ड काफी ज्यादा सर्च किया जाएगा न्यू ईयर से कुछ टाइम पहले और न्यू ईयर को, तो वो आपका वीडियो रैंकिंग में जाएगा। जब आपका वीडियो रैंकिंग में जाएगा तो हो सकता है जो आप 5 दिन पहले वीडियो बनाए उस पर थोड़े बहुत व्यूज आए,
एंड आपको वो भी पता चल जाएगा कि किस किस कीवर्ड पर आपका वीडियो रैंक किया, ठीक है। तो ये आपको करना है। अगर व्यूज आते हैं आपको 5 दिन पहले बनाने वाली वीडियो पे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एसईओ वगैरह सब अच्छे से करना है, ये ध्यान रखना, थंबनेल भी अच्छा, कॉन्टेंट भी अच्छा, ठीक है। अगर आते हैं व्यूज तो बहुत अच्छी बात, नहीं आते तो कोई बात नहीं, फिर आप दोबारा से बनाना, ठीक है। दोबारा दूसरी वीडियो कब बनानी है आपको, जो फेस्टिवल वगैरह उसके एक दिन पहले आपको वीडियो बनानी है, जैसे कि कल न्यू ईयर है तो मेरे को आज सुबह वीडियो अपलोड कर देनी है, ठीक है। और अगर आपके पहले वाले वीडियो पे व्यूज आ गए हो तो वो वीडियो आपका पहले वाला जिस भी कीवर्ड पर रैंक किया हो वो सभी कीवर्ड्स आपको उस वीडियो में इंक्लूड करने हैं जो फेस्टिवल के एक दिन पहले आप अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके वीडियो पर मैं आपको गारंटी देता हूं काफी अच्छे व्यूज आएंगे, 101% हो सकता है कि आपका वीडियो वायरल भी हो जाए, शुरुआत में जो इनिशियल बूस्ट होता है चैनल का वो आपको शायद मिल जाए। लेकिन एक खास बात, लॉन्ग टर्म में ये वीडियो नहीं चलेंगी, ठीक है, लॉन्ग टर्म में नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए ये चीज है। फिर जब अगली साल न्यू ईयर आएगा फिर आपका हो सकता है वीडियो चल जाए। सो आपको ये स्ट्रेटजी रख दी है, कोई भी फेस्टिवल वगैरह हो 5 दिन पहले कुछ उसी कीवर्ड पर आपको एक वीडियो बनाना है। अगर वो वीडियो चल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसी वगैरह अच्छे से करनी है। अगर नहीं चलता है तो फिर हम दूसरे कीवर्ड पर ट्राई करेंगे एक दिन पहले, ठीक है। अगर वो वीडियो थोड़ा सा चल जाता है तो जिन भी कीवर्ड्स पर वो वीडियो हमारा रैंक किया होगा तो हम जो एक दिन पहले वीडियो बनाएंगे फेस्टिवल से उसमें भी वो कीवर्ड्स इंक्लूड हम कर देंगे, और ऐसा कर देंगे तो दोनों वीडियो आपकी रैंक करेंगी, पहले वाले भी आगे वाले भी, एंड आपको इनिशियल बूस्ट काफी अच्छा चैनल पर देखने को मिलेगा। ये चीज मैंने खुद पर्सनली ट्राई की है। एक और तरीका बताऊं आपको, आप अपनी वीडियो का थोड़ा सा एसईओ अच्छा रखो एंड कुछ ऐसा टॉपिक बनाओ जो कि वायरल होता है। जैसे कि अभी गेमिंग वाले वीडियो जो भी होते हैं, जैसे गेमिंग की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताता हूँ या गेमिंग वीडियो कैसे बनाए तो उन पर काफी अच्छे व्यूज आते हैं, तो आपको कुछ ऐसा टॉपिक पकड़ना है और उस पर आपको थंबनेल बहुत अट्रैक्टिव बनाना है, टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से लगाना है, तो ऐसे में आपका वीडियो वायरल हो सकता है पहला, ठीक है। उसके अलावा थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको काम करना है। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था अपने यूट्यूबर हर्षद वाले चैनल पर कि व्हाट्सएप डीपी को गैलरी में कैसे सेव कैसे करें, वो वीडियो मेरा तुरंत रैंक कर गया था, जबकि दूसरा तीसरा वीडियो था मेरे चैनल का। उसके अलावा थंबनेल वगैरह सब अच्छा था ही, और आज उस पर 1.5 लाख व्यूज हैं, डेली उस पर अच्छे खासे व्यूज आते हैं, क्यों, नंबर फर्स्ट में मेरा रैंक किया है। वो वीडियो मेरा रैंक क्यों किया, उसमें मैंने दिमाग लगा के काम किया था। दिमाग क्या कि व्हाट्सएप पर पहले आता था कि सेव कैसे करें गैलरी में फोटो, लेकिन वो ऑप्शन उसी दिन हटा था जिस दिन मैंने वो वीडियो बनाई थी। तो कुछ लोग गए होंगे भाई साहब सेव करने, सेव हुई नहीं क्योंकि व्हाट्सएप ने वो फीचर हटा दिया, तो लोगों ने यूट्यूब पर सर्च किया कि व्हाट्सएप डीपी को गैलरी में कैसे सेव करें, और मैंने टाइम पर ही सही टाइम पर सही वीडियो बना दिया एंड मेरा वीडियो रैंक कर गया, एंड काफी लोगों की वो डिमांडिंग टॉपिक थी इसलिए वो मेरा वीडियो रैंक कर गया, एंड आज उस पर काफी अच्छे व्यूज हैं, आज भी वो वीडियो हमारा सर्च में आता है एंड काफी अच्छे व्यूज हमें वो वीडियो प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे में कुछ भी चैलेंजेस वगैरह होता है कि पॉपुलर एप्लीकेशन वगैरह में, तो लोग वो चीज सर्च करते हैं यूट्यूब पर कि उसका सॉल्यूशन क्या है। तो ऐसे ही आपका कुछ दिमाग लगा के आप पहला वीडियो बनाएंगे, और जो फेस्टिवल वगैरह वगैरह मैंने आपको बताया वो भी आप यूज करेंगे, पैसा आए तो एडवर्ट का यूज करेंगे, तो डेफिनेटली आपका पहला वीडियो वायरल हो सकता है एंड काफी अच्छे व्यूज आ सकते हैं। सो आप कमेंट करके बताना तीनों तरीके आपको कैसे लगे एंड आप कौन सा तरीका यूज करने वाले हैं। सो दोस्तों बस फिलहाल के वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हम आपके लिए यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोज इस चैनल पर लाते रहते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।